जिंदगी 70 साल की है। 70 लोगों के ऊपर इसे कुर्बान मत करो। जब तुम्हारे भीतर प्रबोध होगा, प्रज्ञा होगा, आनंद होगा, आह्लाद होगा, तो फिर वो गजल तुम्हारे लिए होगा। जिस रस्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। एक तू ही धनवान है प्यारे। कौन है धनवान? जिसने आत्मविद्या प्राप्त की हो, जिसने गुरु ज्ञान लिया, जो सच को सच कहना जानता है, जो अपनी साइकिल में खुश है, जो अपने मिट्टी के चूल्हे पे खुश है, अपने बच्चों के साथ खिलखिला रहा है, मुस्कुराहट। ऐसे लोग जिस जगह चले जाएंगे उनकी सुगंध बिखर जाएगी। सारी दुनिया डिप्रेशन की हो गई है, रिश्तेदार भी डिप्रेशन। हर की शादी में 4-5 पागल तो जरूर रहते, मैंने देखा डिप्रेशन। कोई ऐसे, कोई ऐसे, ये कौन है? बोला ये चचेरी ये है, और ये बोला ये मामी की लड़की है, और ये बोला ये फूफा के लड़के हैं। कैसे हैं गुरुजी, जरा इसको आशीर्वाद दीजिए। कैसे हो? कोई दया के पात्र नहीं है वो। दया के पात्र तुम। कोई कारण नहीं है कि कोई पागल हो इस दुनिया में। लालन पालन, अब कोई बाई बर्थ कुछ इधर उधर हुआ तो देखा जाएगा, लेकिन ये जितने डिप्रेशन है, क्या है बाई बर्थ आ रहे हैं ये बच्चे? डिप्रेशन में बाई बर्थ आ रहे हैं? नो, हमारे सिस्टम, हमारे चाल चलन, ऐसी मां बनो कि अपने बच्चों को बचपन से सिखाओ दुनिया को देख के घबराना मत। तेरे पास जो कपड़े हों वो तेरी मां के दिए हुए कपड़े हैं, तेरे पिता परिश्रम करके इसे लाते, तुम्हारे पिता के परिश्रम का मूल्य जान सके, उनके चरणों में श्रद्धा हो। वो जी फॉर जेंटलमैन लिखा हुआ, वो टोपी पहना हुआ आदमी, कोट पैंट टाई पहना हुआ आदमी, बचपन से बच्चे के मस्तिष्क में बढ़ाया गया, बिठाया गया है कि जो हैट पहनता है, जो टोपी पहनता है, जो टाई लगाता है, जो उसी को जेंटलमैन कहते हैं। अरे वो एक नंबर का बेकार आदमी। नाक पोछने की टाई, आपको तो पता होगा ना, हर जगह बताते जाता हूं, नाक पोछने की चीज थी टाई। ठंडे प्रदेशों में बार बार रुमाल व्यवहार नहीं कर पाते थे तो गर्दन में बांधकर उसी से नाक पोछते थे, नीचे वाले चौड़ा जो होता है उसको पहनना जेंटलमैन। वारे इंडियंस, वारे भारतीय, वारे हिंदुस्तान, वारे आर्यावर्त। शेर के मुख को फाड़कर दांत गिल लेने वाले भरत के नाम पर वारे भारतवंशी। बेच दिया ईमान ईस्ट इंडिया वालों के साथ, बेच दिया ईमान मुगलों के हाथों में, बेच दी सब संस्कृति, मिटा दिया। जहां सुदामा के लिए लिखा जाता है प्रशांत आत्मा, भगवान के लिए क्या लिखा गया? शांताकारम भुजगसेनम, ये भगवान। और जब व्यास जी लिख रहे हैं सुदामा के लिए तो प्रशांत आत्मा, भगवान शांत हैं तो भक्त प्रशांत है, एक स्टेप ऊपर है साहब, मौज है।